और इसमें कोई धर्म की नहीं, सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। और बीजेपी इसको कमलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कांग्रेस पूरे देश में कर रही, कांग्रेस अगर इतनी क्षमता होती तो आप सत्ता में नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं तो आप सत्ता में कहाँ होते। मैं और मेरे साथी हम यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ हमारी दलों की आवाज नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज। केरला से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, आंध्रा कर्नाटक से लेकर, बिहार से लेकर, असम से लेकर, नॉर्थ ईस्टर्न के सभी स्टेटों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यहाँ नहीं मौजूद हैं, कश्मीर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तक, देश के जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल है, ये उनकी आवाज है कि कल दिन और रात को सुबह तक जो घटना दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में हुई, दिल्ली में तो कल से शुरू हुआ लेकिन देश में सीजनशिप बिल को लेकर जिस दिन से ये पास हुआ उसी दिन से लेकर इसका विद्रोह पूरे देश में हुआ और शुरुआत नॉर्थ ईस्टर्न में हुई। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों, बल्कि मैंने अपनी स्पीच में जब मैं बोल रहा था सीजनशिप में तो मैंने 7-8 राज्यों के नाम उसी वक्त लिए थे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर, आसाम से लेकर, मणिपुर मिजोरम से लेकर, नागालैंड से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, सभी जगह बिल अभी पास भी नहीं हुआ था तो वहां एजिटेशन चल रही इस बिल के खिलाफ। और उसके बाद तो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कोई भी स्टेट नहीं रही जहां इस बिल का विरोध नहीं हो रहा। मेरे लोग, मेरे साथी दूसरे दलों के विस्तार से बोले, लेकिन आज हम कंडम करने आए हैं जो घटना रात को हुई जामिया मिलिया, जिस तरह से पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, जिस तरह से लाइब्रेरी में जाकर, बाथरूम में जाकर, बाथरूम की कई पिक्चरें हैं कि वहां टॉयलेट में पीटे हुए हैं, जो मेरे पास पिक्चर आई, दो लोग वहां बेहोश थे, कुछ लोग उठा रहे थे उनको। तो लाइब्रेरी और टॉयलेट में भी जो थे लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे उनको भी पुलिस ने माफ नहीं किया। हम में से अधिकतर लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं और एजुकेशन हमेशा स्टूडेंट करियर का एक, एजुकेशन का एक हिस्सा रहा। जिस स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कोई एजुकेशन नहीं हो तो मैं समझता हूँ वो स्टूडेंट होंगे और बहरे होते होंगे, और देश में और दुनिया में शायद कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं होगा कि जहाँ छात्र एजुकेशन अपनी मांगे मनमाने के लिए नहीं करते। लेकिन यूनिवर्सिटी के नियम वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे वक्त में भी एजुकेशन होती, पुलिस कभी भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर की या रजिस्ट्रार की अनुमति के बगैर कदम नहीं रख सकती यूनिवर्सिटी प्रमाइस। यहां रात को जो मैं देख रहा, आज मैं नहीं कह सकता कि सरकार किस ऑफिसर और किस पर दबाव डालेगी और इनकार कराए, लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन था उसमें वाइस चांसलर ने भी ये कल रात कह दिया कि हमने कोई अनुमति नहीं दी पुलिस को,
चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि हमने कोई अनुमति नहीं दी, तो अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी पुलिस को प्रीमिसेस में घुसने की, तो किस तरह से दिल्ली की पुलिस जो केंद्रीय सरकार के अंदर है, ये देश को बताना जरूरी है, दिल्ली की सरकार भाजपा की केंद्रीय सरकार है उसके अंदर आती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आती है, तो किस तरह से ये सरकार क्लास, ये किस तरह से ये यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, किस तरह से ये लाइब्रेरी में घुसी, किस तरह से टॉयलेट बाथरूम में घुस के, और एक एक का लड़के हूँ लड़कियां हूँ लड़कियां चिल्ला रही थी अंधेरे में, बचाओ बचाओ बचाओ, ये वैश्याना तरीका जो पुलिस का, इसको हम सब कंडम करते हैं, देश कंडम करता, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और देश में जो कुछ भी हो रहा, यहां अगर देखेंगे आप, ये देखे महाराष्ट्र, हैदराबाद, हैदराबाद, ये देखिए वाराणसी, ये देखिए गुलबर्गा कर्नाटका, ये देखिए बैंगलोर, ये देखिए अलीगढ़, ये देखिए केरला, सी ऑफ समंदर है, ये देखिए जामिया दिल्ली, ये देखिए शोलापुर महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश, बिहार, कैलिकट केरला, आजमगढ़ यूपी, सूरत गुजरात, वाराणसी प्रधानमंत्री जी के काम से, सीमांचल कोसी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, कानपुर यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र यवतमाल, और नॉर्थ ईस्ट की अहमदाबाद, और नॉर्थ ईस्ट की तो आपको मालूम है कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में यहां कर्फ्यू भी है, असम में लोग मारे भी गए हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया है, तो रिपीट ऑफ कश्मीर, जिस तरह से कश्मीर के मामले में एडवाइजरी इशू की गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया था, तमाम चीजें बंद थी, और ताकि किसी को पता न चले, लेकिन चाहे किसी को टेलीविजन पे पता चले या न पता चले, जब उसका ये मतलब नहीं है कि देश में एजुकेशन नहीं हो रही है, देश में बड़े पैमाने पे एजुकेशन चल रही है, जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इन्होंने बनाया, और इसमें कोई धर्म के नहीं, सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, और बीजेपी इसको कमलाइज करना चाहते हैं, कांग्रेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस पूरे देश में कर रही, कांग्रेस अगर इतनी क्षमता होती तो आप सत्ता में नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं तो आप सत्ता में कहां होते, ये इल्जाम सरासर गलत है, ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूं, ये कांग्रेस इसके पीछे है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये असंवैधानिक बिल नहीं लाया होता, लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं लाया होता, तो ये कुछ नहीं होता, इसलिए असंवैधानिक बिल ये खुद लाए और फिर आरोप विपक्ष पर और कांग्रेस पर लगाए, इसकी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी और सेंटर की पार्टी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट इसके लिए जिम्मेदार। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।